एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है टीवा वेबसाइट से कुछ आउटफिट मैंने पिक किए हैं खुद के लिए। तो मैंने सोचा आपके साथ रिव्यू शेयर कर देती हूँ। और टीवा की ये मेरी सेकंड वीडियो है, इसकी फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने शेयर किया हुआ है। अगर आपने वो वाला वीडियो चेकआउट नहीं किया है जाके देख लो, एक बार लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो काफ़ी दिनों से मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी दी हल्दी फंक्शन के लिए कुछ अच्छा सा बताओ। तो मैं जब टीवा पर स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे हल्दी के लिए एक बेस्ट आउटफिट लगा, वो मैंने वहाँ से पिक किया। एक दो सूट मुझे अच्छे लग रहे थे वहाँ से, शरारा सेट वगैरह और एक लहंगा। तो टोटल 4 आइटम मैंने वहाँ से पिक कर लिए। और जितने भी प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। एंड क्रीवा एक एथनिक वेयर की वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारे एथनिक वेयर देखने को मिलेंगे, सारे डिज़ाइनर एथनिक वेयर, साड़ी, लहंगा, गाउन, सूट सभी देखने को मिल जाएगा इन अफोर्डेबल प्राइस में। एंड इनकी ईजी रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी होती है, वो आप एक बार वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर लो। एंड गाइज, अभी क्रीवा पे 50% का ऑफ चल रहा है, सेल चल रही है बेसिकली। तो अगर आप अभी परचेज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। और क्रीवा पे कैश ऑन डिलीवरी और प्रीपेड ऑर्डर दोनों अवेलेबल है, लेकिन अगर आप प्रीपेड प्लेस करते हो ऑर्डर तो आपको एक्स्ट्रा 5% का और डिस्काउंट देखने को मिलेगा, क्योंकि 50% सेल चल रही है प्लस 5% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट, तो थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बताती हूँ मैंने क्या क्या आइटम क्रीवा से पिक किए हैं। पर उससे पहले ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो फर्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है, ये है पाइनएप्पल येलो कलर का जैकेट प्लस लहंगा, जैकेट स्टाइल चोली है। और इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी मुझे हल्दी फंक्शन के लिए, थोड़ा न्यू लुक लग रहा था। और वैसे सूट वगैरह तो सभी पहनते ही हैं, तो मैंने ये वाला देखना चाहती थी जैकेट स्टाइल वाला कैसा आता है। तो ये आपको पाइनएप्पल येलो कलर में देखने को मिल जाएगा। पैकेजिंग मैंने आपको दिखाई थी, सभी आउटफिट ऐसे आपको जिप कवर में देखने को मिलते हैं और 7 to 8 days में इनकी डिलीवरी हो जाती है। तो इस तरीके का आपको ये वाली पैकेजिंग मिलेगी। अब मैं आपको खोल के बताती हूँ, लुक एट दिस। ये इन्होंने टॉप के लिए ऊपर दिया हुआ है लाइक चोली के लिए, जैकेट स्टाइल आपको ये चोली मिलेगी। आप कलर देख लो पहले, इसका पाइनएप्पल येलो कलर है। एंड पूरा आपको फ्री साइज में देखने को मिल जाएगा। तो जितने भी आउटफिट है ये आपको या तो सेमी स्टिच मिलेंगे या फिर अनस्टिच कंडीशन में मिलेंगे, आप एक बार वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर लो। तो आप अपने अकॉर्डिंग इन्हें परचेज कर सकते हो, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग ऑल्टर वगैरह करवा लो, स्टिच करवा लो, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड इस तरीके का आपको ये वाली चोली देखने को मिल जाएगी। लुक एट दिस प्राइस, बहुत ही ब्यूटिफुल है एंड पूरी आपको ऐसे फ्री साइज में मिलेगी। अच्छा लग रहा है मुझे पैटर्न, जैकेट स्टाइल है। साइड में इमेज ऐड कर दूंगी, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, लाइक फुल लेंथ में आपके आ जाएगी ये वाली जैकेट। फ्रंट कट है तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा पहनने के बाद, और हल्दी के लिए परफेक्ट है। इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगी। एंड ये पूरा इन्होंने जो फैब्रिक इसमें यूज़ किया है जॉर्जेट और सिल्क, कुछ ऐसा मिक्स फैब्रिक है। प्लस इसमें यहाँ पे थ्रेड लगाए हुए हैं, थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी की गई है और सिक्वेंस लगाए हुए हैं। लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी मुझे, फुल हल्दी फंक्शन के लिए काफ़ी परफेक्ट है। फ्रंट कट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ये पूरा फैब्रिक है जो जॉर्जेट फैब्रिक है। एंड नीचे की साइड आपको इतना हैवी सा बॉर्डर देखने को मिल जाता है, ये पूरा इन्होंने एम्ब्रॉयडरी सिक्वेंस किया गया है। काफ़ी नीटली है ये काम जो इन्होंने किया हुआ है, काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर है। एंड नीचे जब आप पहनोगे तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, पूरा जैकेट स्टाइल लुक आएगा। प्लस नीचे इन्होंने लहंगा दिया है, तो इस तरीके का ये वाला जो है टॉप इन्होंने दिया हुआ है, प्लस इसे इन्होंने स्टाइल किया है इस तरीके के लहंगे के साथ। लुक एट दिस गाइस, इस तरीके का आपको लहंगा देखने को मिल जाएगा, बिल्कुल प्लेन है, क्योंकि ये जैकेट है जो आपके फुल लेंथ में आएगी, तो इन्होंने प्लेन इसके स्कर्ट टाइप इन्होंने दिया हुआ है। पूरा साटिन का आपको इस तरीके से मिल जाएगा एंड प्लेन बिल्कुल। अगर आपको कोई आउटफिट ये दे रहे हैं सेमी स्टिच या फिर अनस्टिच, तो आपकी एक्सेल एंड डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा, इतना फैब्रिक ये देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार चेकआउट करना, क्योंकि बिकॉज कोई आउटफिट है जो सेमी स्टिच है, कोई आउटफिट है जो अनस्टिच्ड है, तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार वेबसाइट पे चेकआउट कर लेना। एंड इस तरीके का आपको एक प्लेन स्कर्ट देखने को मिलेगा सिल्क फैब्रिक में, सिल्क या सैटिन है, कुछ मिक्स फैब्रिक उन्होंने दिया हुआ है, और ये आपके एक्सेल और डबल एक्सेल साइज में आराम से आ जाएगा। एंड आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कलर है, पाइनएप्पल येलो जो कलर है वो ही कलर आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएगा।
बिल्कुल प्लेन स्कर्ट है और इसकी जैकेट इतनी प्यारी है, स्टाइल करने के बाद काफ़ी अच्छा लुक आएगा। एंड इसके साथ इन्होंने ये वाला दुपट्टा दिया है जो कि मुझे काफ़ी पर्सनली पसंद आया ये वाला दुपट्टा। ये वाला आपको मोनो नेट का दुपट्टा देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देखो साइड में इन्होंने ये पर्ल वाली लेस लगाई हुई है गोल्डन कलर की, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही है। और ये सिक्वेंस लगाए हुए हैं, काफ़ी लाइट वेट दुपट्टा है और चौड़ाई आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है। और इसकी लेंथ है जो इन्होंने प्रॉपर जो है 2.25 मीटर की लेंथ दी हुई है। तो बेसिकली ये पूरा जो सेट है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, क्योंकि हल्दी फंक्शन के लिए परफेक्ट है और अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी है इस टाइप के सूट, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो फर्स्ट पीस जो मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाला, और आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो आपके हल्दी फंक्शन के लिए, या फिर आपकी खुद की हल्दी है, या फिर आप किसी फ्रेंड की हल्दी में भी जा रहे हो, आपके घर में किसी की हल्दी है, तो डेफिनेटली इस वाले पीस को ट्राई कर सकते हो। तो ये मैंने वहाँ से पिक किया है। जो नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है ये है शरारा सूट, पिंक कलर में, मिरर वर्क का, एंड पैकेजिंग आप देख सकते हो इस तरीके की देखने को मिल जाएगी। एंड जितने भी आउटफिट मैं शेयर कर रही हूँ सभी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। एंड वैसे तो आपको बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है लाइक आपकी डिलीवरी से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो मैं इनके कस्टमर केयर वगैरह नंबर आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको सभी चीज़ें जो इनकी है प्रोवाइड कर दूंगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप एक बार चेकआउट कर लेना। तो इस तरीके का आपको ये वाला जो है पीस देखने को मिलेगा। एंड ये एक शरारा सूट है जॉर्जेट का, एंड कलर आप देख लो बिल्कुल लाइट जो बेबी पिंक कलर होता है वो ही कलर है। पूरा जो आप मिरर्स देख रहे हो ये वाले जो है जो फॉइल मिरर्स इन्होंने दिए हुए हैं, लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके का है, बिल्कुल लाइट वेट है, ऐसा नहीं है बिल्कुल हैवी है, क्योंकि ये जो मिरर है वो रियल मिरर नहीं है, फॉइल मिरर है बिल्कुल, तो प्लास्टिक मिरर जो होते हैं वो ही है। और आप नेट देख सकते हो इस तरीके की, आपको नेट मिल जाएगी 3/4, इसमें आपको स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, ये भी आपको जो है फ्री साइज देखने को मिलेगा। एंड लुक एट दिस, स्ट्रेट कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती, और साइड में इमेज लगवा दूंगी, तो इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाएगा। प्लस बीच बीच में मिरर्स भी लगाए हुए हैं, आप पास से देख लो एक बार, और थ्रेड वर्क भी इन्होंने किया हुआ है। बैक साइड आपको पूरा प्लेन देखने को मिलेगा, ये आपको फ्री साइज में मिलेगी जो कि आपके एक्सल और डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। तो इस तरीके की इन्होंने इसमें कुर्ती दी है, एंड शरारा के लिए इस तरीके का आपको शरारा देखने को मिल जाएगा। ये जो है आपके अनस्टिच्ड आते हैं, इस तरीके का आपको ये जॉर्जेट का शरारा देखने को मिल जाएगा, लाइक ज्यादा ब्रॉड नहीं है ये, लुक एट दिस, इतना ब्रॉड है, मतलब लाइक प्लाजो की तरह ही हो गया, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है शरारा की तरह, तो हम बोल सकते हैं कि ये शरारा मतलब कुर्ता प्लाजो सेट है, क्योंकि शरारा तो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड आता है, उस टाइप में नहीं है, थोड़ा स्ट्रेट टाइप में है, तो आप एक बार देख लेना। और ये इन्होंने इलास्टिक इसमें दिया हुआ है, जॉर्जेट का है, और इस तरीके का आपको मिल जाएगा। पर मुझे लग रहा था जब मैंने इसको पिक में देखा था लाइक कि मुझे थोड़ा ब्रॉड मिलेगा शरारा टाइप का, क्योंकि आप वहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है शरारा है, पर ये कुछ इस तरीके का मिला है स्ट्रेट प्लाजो टाइप, तो वो आप देख लेना एक बार, बाकी मैंने एक्सपेक्ट किया था थोड़ा ब्रॉड आएगा। एंड ये जो है जॉर्जेट फैब्रिक में प्लेन देखने को मिल जाएगा, क्वालिटी अच्छी है, ये आपके एक्सल और डबल एक्सल साइज में आराम से आ जाएगा। एंड इसके साथ जो इन्होंने दुपट्टा दिया है वो है नेट का दुपट्टा, एंड लुक एट दिस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये आपको पूरा है जो बेबी पिंक कलर में सूट देखने को मिलेगा, साइड में आपको ये फॉयल मिरर देखने को मिल जाएगा, ये इन्होंने लेस लगाई हुई है, काफ़ी अच्छी ब्रॉड है, ये भी प्लास्टिक मिरर इन्होंने यूज़ किया हुआ है, नेट की क्वालिटी अच्छी है, पूरा 2 मीटर का आपको ये वाला दुपट्टा देखने को मिल जाएगा साइड में। नेक्स्ट आउटफिट मैंने यहाँ से पिक किया है ये है एक कुर्ता सेट, एंड ये पूरा जो है एम्ब्रॉयडरी वाला कुर्ता सेट है, साइड में इमेज ऐड कर दूंगी, पिंक कलर का है, एंड अच्छा लग रहा था मुझे तो मैंने परचेज किया, मैं देखना चाहती थी कैसा निकलता है कैसा नहीं निकलता है। तो लुक एट दिस, ये वाला मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा, इसमें आपको ये कॉटन का जो है प्लाजो देखने को मिल जाता है, लाइक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, तो आप देख सकते हो ब्रॉड वाला प्लाजो है, काफ़ी अच्छी एम्ब्रॉयडरी की गई है, पूरा थ्रेड वर्क किया गया है लाइक चिकनकारी टाइप से, और क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कॉटन का फैब्रिक का है, तो मुझे अच्छा लगा, काफ़ी ब्रॉड भी है, एंड पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, प्लस काफ़ी नीटली इन्होंने किया हुआ है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। एंड इसको ये वाली कुर्ती इसमें दी गई है, लुक एट दिस, ये वाली कुर्ती आपको देखने को इसमें मिल जाएगी, ये पिंक कलर की जॉर्जेट की कुर्ती है, साइड में इमेज ऐड करूंगी, इसमें थ्री
4th इसमें स्लीव्स दी हुई है, प्लस पूरी ये एम्ब्रॉयडरी कुर्ती है, फ्रंट कट कुर्ती है। पहनने के बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा, मुझे सूट पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट सूट है, प्लस परफेक्ट है किसी भी पार्टी फंक्शन के लिए, और जिन्हें बिल्कुल भी ज़्यादा चमक वमक पहनना पसंद नहीं होता उनके लिए काफ़ी परफेक्ट है। और इस तरीके के सूट काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं फॉर एनी पार्टी एंड एनी फंक्शन, बिकॉज काफ़ी एलिगेंट लगते हैं ना ये वाले सूट। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आपको राउंड नेक मिल जाएगी एंड 3/4 इसमें स्लीव्स दी हुई है, पूरा जॉर्जेट का सूट है, प्लस आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देख सकते हो, पूरी थ्रेड से इस पर एम्ब्रॉयडरी की गई है। फ्रंट कट आपको देखने को मिलेगा, जॉर्जेट का है, लेंथ आपको साइड में मैं दे दूंगी, क्लिप ऐड कर दूंगी या फिर इमेज ऐड कर दूंगी। तो इस तरीके का आपको इसमें सूट दिया हुआ है। बैक साइड आपको पूरी प्लेन मिल जाएगी। कलर है जो इसका पिंक कलर है, जो आपको एग्जैक्ट पिक में दिख रहा है एज इट इज आपको ऐसा मिलेगा। और इसका प्लाजो आपको व्हाइट कलर का देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मुझे पर्सनली ये वाला सूट काफ़ी अच्छा लगा, बिकॉज क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है, एंड सबसे अच्छी बात है एलिगेंट है। अब जो लास्ट आइटम मैंने वहाँ से पिक किया है वो है एक लहंगा, एंड इस तरीके की पैकेजिंग में आपको लहंगा देखने को मिल जाएगा। साइड में इमेज ऐड कर दूंगी, इनकी पैकेजिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी मुझे, एंड क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी सही है यार। और ये भी आपको जॉर्जेट बेस पे ही लहंगा देखने को मिलेगा। लुक एट दिस गाइस, कलर आप देख लो पहले इस वाले लहंगे का, इस तरीके का आपको ये लहंगा देखने को मिल जाएगा, और बहुत ही सुंदर सा लहंगा है। पर्सनली भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। आप पहले इसका कलर देखो, कलर इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है, एंड मुझे इस तरीके के डार्क कलर होते हैं और जो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी चल रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला लहंगा। एंड पूरा ये जॉर्जेट बेस पे है, ये जो इन्होंने फैब्रिक इस पे यूज़ किया है जॉर्जेट का है, यहाँ पे इन्होंने पूरे पे स्टोन का काम किया हुआ है, और ये स्टोन इतने अच्छे से लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है हट रहे हैं कर रहे हैं वो चीज़ नहीं है, पूरे पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे से लगाए हुए हैं। प्लस अंदर की साइड इन्होंने कैन कैन इसमें दी हुई है, तो आपको अलग से एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी कैन कैन इसमें लगी हुई आ रही है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। प्लस इसमें आपको अंदर की साइड कैनवास लगा हुआ मिल जाएगा, लाइनिंग लगी हुई मिल जाएगी इस तरीके की, तो ये 3 से 4 लेयर में आपको मिलने वाला है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ही अच्छी डील है, लाइट कम प्राइस में भी है, और दूसरी चीज़ काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, गर्लिश लुक भी है इस लहंगे का, कलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल लगा। एंड अगर मैं इसके फ्लेयर की बात करती हूँ तो 3 से 4 मीटर का आपको इस तरीके का फ्लेयर देखने को मिल जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग काफ़ी ब्यूटीफुल है ये वाला लहंगा। तो मैंने नेक्स्ट ये वाला पिक किया है, और इसके साथ जो इन्होंने ब्लाउज दिया है वो मैं आपको बताती हूँ एक बार। जो ब्लाउज है आपको दुपट्टे में अटैच ही मिल जाएगा इस तरीके का, पूरा सिक्वेंस वाला इन्होंने ब्लाउज दिया है, एंड गोल्डन कलर का आपको ब्लाउज देखने को मिलेगा। लुक एट दिस गाइस, अच्छा लग रहा है ना, बिल्कुल आपको गोल्डन सिक्वेंस दिए हुए हैं इसमें, एंड क्वालिटी अच्छी है, बिल्कुल आप देख लो सिक्वेंस पास पास लगाए हुए हैं, ऐसा नहीं है बहुत दूर दूर है, छोटे छोटे सिक्वेंस लगाए हुए हैं, क्वालिटी अच्छी है। 80 या 90 सेंटीमीटर का आपको इस तरीके का ब्लाउज देखने को मिलेगा, तो आप इसे स्टिच करवा सकते हो अपने साइज के अकॉर्डिंग, एंड इसका जो फैब्रिक है मे बी सिल्क फैब्रिक है, कुछ ऐसा फैब्रिक है। एंड फिर यहाँ से आपको इसमें दुपट्टा जो है अटैच देखने को मिल जाएगा, पूरा दुपट्टा आपको जॉर्जेट में देखने को मिलेगा। लुक एट दिस, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा है, पूरे पे एम्ब्रॉयडरी की गई है, जरी का काम किया हुआ है, और ये जो है सिक्वेंस लगाए हुए हैं, पास से दिखा देती हूँ। एंड ये जो है इन्होंने बॉर्डर लगाया हुआ है जो कि काफ़ी नीटली लगाया हुआ है, काफ़ी ब्रॉड बॉर्डर देखने को मिलेगा। इस तरीके का आपको पूरा दुपट्टा मिल जाएगा 2.25 मीटर का, एंड लेंथ काफ़ी अच्छी है, चौड़ाई भी काफ़ी अच्छी है दुपट्टे की, क्वालिटी अच्छी है, और मुझे पर्सनली ये वाला लहंगा काफ़ी पसंद आया, क्योंकि एक तो मुझे कलर इसका इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, दूसरा बहुत सुंदर लगेगा पहनने के बाद, पूरा स्टिच करवाने के बाद। तो नेक्स्ट आउटफिट जो मैंने यहाँ से पिक किया है वो है ये वाला लहंगा। तो गाइस, आज मैंने जो भी आउटफिट आपके साथ शेयर किया है सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इन्हें परचेस कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ, चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।